भारत का मिशन मून 15 बरस का हो चुका है। चंद्रयान की पहली उड़ान से लेकर अब तक तीसरी उड़ान के सफर तक का पड़ाव पूरा होने जा रहा है और इससे काफी उम्मीद लगाई जा रही है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को कई खूबियों वाला बनाया है ताकि पिछली बार की चूक को दूर किया जाए और लक्ष्य को अचूक बनाया जाए। से शुरू हुआ था मिशन चंद्रयान, तब हिंदुस्तान ने जो ख्वाब देखे थे वो आज यकीन में बदलता दिख रहा है। चांद पर तिरंगा लहराने वाला है। मिशन चंद्रयान के 15 साल के सफर में इसरो ने तीसरी कोशिश की है और इस तीसरी कोशिश में चंद्रयान 3 चांद के पास जा पहुंचा है। अब सिर्फ लैंडिंग की तैयारी है। भारत का पहला चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो चंद्रमा से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चारों ओर परिक्रमा लगाता रहा। इस उपग्रह ने चांद की करीब 3400 परिक्रमा की, लेकिन 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 का संचार टूट गया और मिशन खत्म हो गया। लेकिन चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी कामयाबी रही कि इससे चांद के क्रस्ट के नीचे बर्फीला पानी के संकेत मिले। पहले सफर की खट्टी मीठी कामयाबी के साथ वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 की आधारशिला रख दी। उसी के तहत 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 ने उड़ान भरी, लेकिन विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सही सलामत नहीं उतर पाए। इस नाकामी ने भी भारतीय वैज्ञानिकों को राह दिखाई। उम्मीद नहीं टूटी, वही हौसला अब चंद्रयान 3 के रूप में सामने है। बस लैंडिंग की देरी है और फिर प्रज्ञान निकलेगा, रोवर निकलेगा, वो अपना इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपेरिमेंट्स करेगा, लैंडर एक्सपेरिमेंट्स करेगा और पास ही हम वोट करेंगे। मुझे उम्मीद है ये एकदम बहुत बड़ा सक्सेस। प्लस 5 सेकंड्स। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। वी हैव अ मैजेस्टिक लिफ्ट ऑफ ऑफ LVM3 M4 रॉकेट। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को हुआ था। उसके बाद 5 अगस्त को उपग्रह ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और अब वो सफर अपने आखिरी पड़ाव के बिल्कुल करीब है, जो भारत की उम्मीदें जगा रही है, हौसला बढ़ा रहा है। और जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन भारत कलेक्ट करने वाला है चंद्रयान 3 के माध्यम से, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन बाकी किसी देश के पास नहीं है। ना कि केवल खनिज, किस तरीके की गैसें, किस तरीके का सेस्मिक एक्टिविटी चंद्रमा की उन सतह पे होती है, किस तरीके के क्वेक्स आते हैं, आंधी चलती है, तूफान चलती है और उस पर अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी बातों की पुष्टि करेगा। साथ ही में क्या मून इंसानी जीवन को बसाने के लिए, कॉलोनीज को बसाने के लिए हैबिटेबल बनता है या नहीं, उस बात की पुष्टि करेगा। और आने वाले समय पर जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाने का प्रयास करते हैं तो हमें एक तरीके का बेस स्टेशन प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही बड़ा मिशन है, साथ ही हमारे फ्यूचर के स्पेस से जुड़े सभी चुनौतियों को, सभी आने वाली अपॉर्चुनिटी को एक बहुत बड़ा स्थान देगा। भारत का मिशन कामयाबी की राह पर है। चंद्रयान 3 384,000 किलोमीटर से अधिक दूरी का सफर कर अब चांद की सतह पर उतरने की तैयारी में है। चंद्रयान 3 जब 14 जुलाई को धरती से चला था तो समय समय पर 5 मनुवर के बाद वो चांद की कक्षा की ओर बढ़ा था। चंद्रयान 3 9 अगस्त को चांद के 174x1437 किलोमीटर की कक्षा में पहुँचा था। 14 अगस्त को चंद्रयान 3 को 150x177 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया और फिर 16 अगस्त को आखिरी बार चंद्रयान 3 को 153x163 किलोमीटर वाली कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसी कक्षा में घूमते घूमते अब प्रोपल्शन यूनिट से लैंडर विक्रम भी अलग हो चुका है। 23 अगस्त की तारीख भारत के लिए काफी अहम है। दुनिया हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के रिसर्च का लोहा मानेगी। आज तक भी